subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युतीय द्विध्रुव के कारण इक्वेटोरियल मतलब हो गया विषुवतीय रेखा या निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये देखिए कंडीशन दिया हुआ है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण हम लोग को आज निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए एक विद्युतीय द्विध्रुव के बारे में कल आप लोगों को बताया गया था। दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे की अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित रहकर द्वितीय द्विध्रुव का निर्माण करते। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लेते हैं ए और इस ए पॉइंट पर एक निगेटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है। इससे 2L डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी है और इस बी पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है और विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई जैसा कि कल आप लोगों को बताए थे 2L होता है। विद्युतीय द्विध्रुव का लंबाई 2L। अब मान लीजिए कि इसका विद्युतीय द्विध्रुव जो AB है इसका मध्य बिंदु O है। तो A से O की दूरी जो है चूंकि ये मध्य बिंदु है तो A से O की दूरी भी L हो जाएगा और O से B की दूरी L, तो ये L और L 2L हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय रेखा पर देखिए निरक्षीय रेखा पर क्या हो गया कि इस विद्युतीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये इसका इक्वेटोरियल लाइन या निरक्षीय रेखा विषुवतीय रेखा कहलाएगा। इस निरक्षीय रेखा पर ही हमको विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं देखिए ये जो मध्य बिंदु O है इससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर कोई एक पॉइंट हम लोग P लेते हैं और इस P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस P पॉइंट पर। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए सबसे पहले P पॉइंट पर हम लोग कल्पना करते हैं ऐसा कि यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज Q नोट है। इस टेस्ट चार्ज पर देखिए ये प्लस Q प्रतिकर्षण का बल और ये माइनस Q आकर्षण का बल लगाएगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये देखिए प्लस चार्ज जो है ये इस डायरेक्शन में इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा और उस रिपल्सन के फोर्स के कारण क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इस डायरेक्शन में। ये देखिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। मान लीजिए इस डायरेक्शन का नाम हम लोग देते हैं P से C डायरेक्शन की ओर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया प्लस Q चार्ज जो B पॉइंट पर रखा हुआ नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड B पॉइंट पर जो चार्ज है उसके कारण। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज भी इस क्यू नोट चार्ज पर आकर्षण का बल लगाएगा। तो इस डायरेक्शन में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम लोग को मिलेगा ई ए वेक्टर के कारण। तो यहाँ पर देखिए ये जो आकर्षण बल लगाएगा माइनस क्यू चार्ज इस क्यू नोट चार्ज पर ये इसको अपनी ओर इस डायरेक्शन में आकर्षित करेगा और हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी बल मिलेगा ई वेक्टर ए और इस डायरेक्शन का नाम भी हम कुछ दे सकते हैं जैसे इसका नाम हम लोग डी दे देते हैं। अब देखिए इस P पॉइंट पर हमको विद्युतीय क्षेत्र का दो मान मिलता है एक तो प्लस Q चार्ज के कारण और एक माइनस Q चार्ज के कारण। तो इसका परिणामी विद्युतीय क्षेत्र कहाँ से निकलेगा चूंकि दो सदिश राशि है और एक दूसरे के साथ अलग अलग डायरेक्शन में है तो इसका परिणामी विद्युतीय क्षेत्र जो है हमको विकर्ण से मिलेगा। तो ये देखिए विकर्ण से हमको ये परिणामी विद्युतीय क्षेत्र E वेक्टर का मान मिलेगा जो हमको P वेक्टर पर विद्युतीय क्षेत्र चाहिए। योगिया तो यहाँ पर अब सबसे पहले कंडीशन हम लोग लिख देते हैं। माना कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है
जिसकी लंबाई 2L एवं मध्य बिंदु O है, A पर माइनस क्यू आवेश तथा B पर प्लस क्यू आवेश है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर P कोई बिंदु है जहां पर हमें विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ये कंडीशन हो गया, ए भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसका लंबाई 2L है, मध्य बिंदु O है, A पर माइनस क्यू आवेश, B पर प्लस क्यू आवेश है, O से R दूरी पर P कोई बिंदु है निरक्षय रेखा पर जहां पर हमको विद्युतीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। अब यहां पर देखिए विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, E इक्वल टू होता है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर। आर क्या है? उस पॉइंट का दूरी है आर जहां पर इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए देखिए, क्योंकि यहां पर विद्युतीय क्षेत्र प्लस भी बना रहा है और माइनस भी, तो हमको दोनों पॉइंट चार्ज से पी पॉइंट की दूरी यानी आर का मान निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए पी से बी की दूरी या पी से ए की दूरी नहीं दिया हुआ है, तो हम यहां पर त्रिकोणमिति लगा के इसका मान निकाल सकते। देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन है तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण हम निकाल सकते हैं। यहां से देखिए कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार ये हो जाएगा और इसका ओवर रूट, ये हो गया। इसी तरह से अगर हम इसमें लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, तो इसके सामने ये कर्ण और ये आधार और ये लंब, तो इसमें भी लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर और उसका ओवररूट ये कर्ण हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए यहां पर एपी और बीपी दोनों का मान एक ही है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ओवर रूट। अगर इस स्क्वायर को हम इधर इस रूट को इधर लाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा एपी स्क्वायर बीपी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें देखिए अगर ये आपको एक त्रिभुज दिखाई देगा ए बी और पी, इस त्रिभुज में अगर ये दो भुजा बराबर है तो इस त्रिभुज को कहा जा सकता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है कि जिसका जो दो भुजा बराबर होगा उसका संगत कोण भी बराबर होगा। तो अगर इसका ये संगत कोण हम मान लेंगे थीटा, तो इसका भी कोण थीटा ही होगा क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। अगर ये दोनों थीटा हो गया, अब देखिए ये वाला लाइन और ये डॉट डॉट वाला लाइन जो दिखाई दे रहा है ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, और ये जो लाइन दे रहा है ये तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो अगर ये दो समानांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है और ये थीटा कोण है, तो एकांतर कोण से ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रहा है किसके कारण, प्लस की चार्ज के कारण और माइनस की चार्ज के कारण। तो यहाँ पर हमको दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार ए पर जो माइनस क्यू चार्ज है यहाँ से ईए वेक्टर बना रहा है, और बी पर जो प्लस क्यू चार्ज है ईबी वेक्टर बना रहा है। दोनों का मान निकालेंगे और फिर दोनों को सदिश योग से जोड़ देंगे। देखिए सबसे पहले हम निकाल देते हैं, चूंकि ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र, तो विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला देखिए होता है E, तो हम लोग यहाँ पर चूंकि ये पॉइंट ले रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे EA वेक्टर का मॉड इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से लेंगे, A से P का डिस्टेंस लेंगे तो हो जाएगा AP का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो मॉड ऑफ EA वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q बाई, EA वेक्टर को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे देखिए यहां पर चूंकि ई वेक्टर A को दो अवयवों में
वियोजित करने पर या विभाजित करने पर भी लिख सकते हैं। वियोजित करने पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पी है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर जा रहा है और नीचे की ओर ये देखिए डॉट डॉट पर लाइन है, इसका भी कुछ डायरेक्शन के लिए नाम हम लोग दे देते हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दिया आर, पी आर यहाँ पे है और देखिए यहाँ से ये थीटा कोण बनाते हुए ई वेक्टर ये जा रहा है। तो देखिए सदिश का विघटन में हम लोग 11th में ही पढ़े हुए हैं कि जिस तरफ थीटा रहेगा परिमाण के साथ cos थीटा होगा, तो इधर देखिए परिमाण ई वेक्टर ए का ई ए हो जाएगा और cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर ई ए sin थीटा। तो देखिए हमको दो चीज मिलता है ई ए को तोड़ने पर, एक तो ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा का डायरेक्शन कैसा है, पी वेक्टर ई की ओर, पी वेक्टर ई की ओर, और दूसरा हमको क्या मिलता है ई ए sin थीटा, ई ए साइन थीटा का डायरेक्शन किधर है, पी से आर वेक्टर की ओर। तो ई ए को दो पार्ट में हम लोग योजित करते हैं, तो इस डायरेक्शन में ई ए कॉस थीटा और उसके लंबवत इस डायरेक्शन में ई ए साइन थीटा मिलता है, तो ये हो गया। अब देखिए बी वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो इसके कारण भी हम लोग इसको बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसी तरह बी पर देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, मोड ऑफ ई वेक्टर बी इक्वल टू फॉर्मूला वही रहेगा 1/4πε0 क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हम लेंगे बी से पी का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू, देखिए बी से पी का। तो देखिए ई ए वेक्टर कितना आ गया 1/4πε0 ई बी वेक्टर का मान आ गया 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन भी हम लोग दिखला सकते हैं, कहाँ डायरेक्शन देखिए पी से सी की ओर, पी सी वेक्टर की ओर, ये हो गया। अब देखिए ई बी वेक्टर को भी हम दो पार्ट में जिस तरह से ई ए को बांटे उसी तरह से बांट सकते हैं। देखिए चूंकि ई वेक्टर बी को दो अवयवों में वियोजित करने पर, तो दो अवयवों में इसी को कैसे वियोजित करेंगे और इसमें हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए इससे यहाँ पर एक पॉइंट क्या है पी और इस डायरेक्शन में यहाँ पे ई वेक्टर है और इसके लंबवत डायरेक्शन ये देखिए इसका कोई नाम जैसे हमको नाम दे देते हैं इसका, चलिए यस पी और यस, और यहां से देखिए ये ई वेक्टर बी है इस एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाते हुए, तो इसको हम देखिए तोड़ेंगे जिधर थीटा उधर परिमाण ई बी और उसके साथ cos थीटा लगाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ई बी साइन थीटा। देखिए यहाँ पर हमको ये इस डायरेक्शन में मिलता है ई बी साइन थीटा और इस डायरेक्शन में मिलता है ई बी cos थीटा, तो ये ई बी का दो मान हमको मिलता है, एक तो ई बी cos थीटा और इसका डायरेक्शन देखिए कहाँ है ई बी cos थीटा पी ई वेक्टर की ओर। उसके बाद हमको दूसरा मिलता है ई बी साइन थीटा और इसका डायरेक्शन देखिए कहाँ है पी से यस की ओर, ये हो गया। अब देखिए यहां से इस पॉइंट पर ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, इसमें साइन और साइन तो दोनों में है। अब देखिए ई ए और ई बी, ई ए का मान यहाँ पर देखिए ये 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ई बी का भी मान देखिए 1/4πε0 क्यू बाई आर, ये दोनों मान देखिए इक्वल है। अगर ये दोनों मान इक्वल है और साइन साइन भी इक्वल है, इसका मतलब ई बी साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा परिमाण में समान परंतु डायरेक्शन देखिए दोनों का उल्टा है, परंतु दिशा में विपरीत है, तो अगर ये दोनों परिमाण में बराबर है
दिशा में विपरीत है। इसका मतलब है कि ये दोनों अगर ऊपर वाला को हम प्लस मानेंगे तो नीचे माइनस, यानी कि दोनों का परिणामी करेंगे तो शून्य हो जाएगा, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसका कोई भी इफेक्ट पी बिंदु पर नहीं पड़ेगा। अतः ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तथा अगर ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो परिणामी विद्युतीय क्षेत्र हमको कहां मिलेगा, देखिए ईए कॉस थीटा और एबी कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है पी वेक्टर की ओर, तो परिणामी विद्युतीय क्षेत्र हमको मिलेगा पी वेक्टर ई की ओर, और परिणामी विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो ई वेक्टर लिखेंगे, और इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा देखिए ई ए कॉस थीटा और प्लस ई बी कॉस थीटा, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू, देखिए चूंकि ई ए और ई बी, ई ए और ई बी दोनों का मान बराबर है तो दोनों में से किसी एक को भी हम बदल सकते हैं, अगर ई ए को ऐसे ही चलिए रहने देते हैं और ई बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ई बी किसके बराबर है, ई ए के बराबर है, तो ई बी को ई ए लिखेंगे कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा देखिए ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा टू ई ए कॉस थीटा, चूंकि मॉड ऑफ ई वेक्टर बराबर किसके है, मॉड ऑफ ई बी वेक्टर का। अब इसमें वैल्यू रख देंगे मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू टू इंटू ये ई ए, देखिए ई ए का मान कितना है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इंटू कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए एल और कर्ण यहाँ पर, अगर ये थीटा ये भी थीटा लेंगे तो आधार ये और ये कर्ण, तो आधार कितना है एल और कर्ण कितना है देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ओवर रूट, और वर्गमूल को हम लोग पावर हाफ से भी दर्शा सकते हैं, ये हो गया। और मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुना टू गुना एल, तो क्यू गुना टू एल कहलाता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि पी से सूचित करेंगे उसको, क्यू गुना टू एल को पी से सूचित करेंगे, और नीचे देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुना में है, अगर आधार सेम है तो पावर जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर पावर इसका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 और प्लस 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। अभी समीकरण देखिए आर स्क्वायर और एल स्क्वायर ये दो राशि में देखिए एल क्या है, तो एल देखिए विद्युतीय द्विध्रुव का हाफ पाथ है, विद्युतीय द्विध्रुव का लंबाई 2L होता है, इसका हाफ एल होता है, विद्युतीय द्विध्रुव का लंबाई तो पहले से ही बहुत कम है, अगर इसका अल्पांश और एल लेंगे तो वो और कम हो जाएगा, इस अर्थ में ये हो जाएगा कि ये जो आर का मान है वो एल की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चूंकि आर स्क्वायर ग्रेटर 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 देन एल स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है, अगर इसको हम नगण्य मानेंगे तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है मॉड ऑफ पी वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, देखिए एल स्क्वायर को नगण्य कर देंगे तो आर स्क्वायर 3/2 हो जाएगा, इसीलिए हमारा जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई स्क्वायर, स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो आर पर पावर क्यू, ये देखिए हमारा निरक्षीय स्थिति पर विद्युतीय द्विध्रुव के कारण फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू हो जाएगा।